जी के चैप्टर 262 का पार्ट 2 रिलीज हो चुका है, जिसे बहुत सारे लोग चैप्टर 263 कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 262 का पार्ट 2 है। जी हाँ, पिछला पार्ट जो कि पार्ट 1 था वो सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस का था, क्योंकि गेगे अकुटामी की तबीयत खराब हो चुकी थी। अब क्योंकि गेगे वापस आ चुके हैं तो वो अपने पिछले अधूरे काम को पूरा कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर 263 होगा। तो अगर बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में सुकुना और यूटा की बैटल अभी भी कंटिन्यू हुई है, दोनों ही डोमेन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यूटा इसमें मरने वाला है। मतलब इस चैप्टर में तो नहीं मरा है, लेकिन आने वाले कुछ चैप्टर्स में मर जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में सुकुना ने ये सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया, और यूटा भी इस चैप्टर के अंत में एक ऐसा मूव यूज करने वाला है जो मेरी बात को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। रीका यूटा की बची हुई बॉडी को, जो कि ओरिजिनल बॉडी है, उसे लेकर पकड़ के रो रही थी, क्योंकि शायद रीका को भी लग रहा था कि यूटा अभी मर जाएगा। यही अगले पैनल में हम देखते हैं कि यूटा और सुकुना हैंड टू हैंड लड़ रहे हैं, और यूटा ठीक ठाक टक्कर दे रहा है सुकुना को। और यहां पर हमें बताया गया है एम्पलीफिकेशन वर्सेस इन्फिनिटी। इस फाइट का जवाब हमें अगले 3 मिनट में मिल जाएगा। मतलब यूटा को केंजाकू के कर्ज टेक्निक को यूज करके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, और अगले 3 मिनट में पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है। अब पर यूटा को रियलाइज होता है कि रीका तो गोजो की बॉडी को हॉन्ट नहीं कर रही है, तो वह केंजाकू की कर्स टेक्निक को गोजो की कर्स टेक्निक के साथ साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकता, जो कि यूटा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी यूटा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि सुकुना अभी वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मार सकता, क्योंकि वो मूव इस्तेमाल करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड का होना जरूरी है, क्योंकि उसी की मदद से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश के साइंस बनाएगा और चैंटिंग करने के बाद फाइनली अटैक यूज कर पाएगा। लेकिन सुकुना का लेफ्ट आर्म पिछले बैटल्स में कट चुका था। अब मेरे हिसाब से यूटा को इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सुकुना कितना बड़ा हरामी है। उसने वर्ल्ड कटिंग स्लैश बिना अपने लेफ्ट हैंड के भी इस्तेमाल किया है, और उसका जवाब हम जानते हैं, बाइंडिंग वाव। लेकिन फिर भी पता नहीं कि यूटा इस चीज को कॉन्फिडेंशियली लेता है, और अभी के लिए ये अज्यूम कर लेता है कि सुकुना के पास इन्फिनिटी को काउंटर करने के लिए डोमेन एम्पलीफिकेशन के अलावा और कुछ नहीं है, और यही कॉन्फिडेंस लेके वो सुकुना को और भी ज्यादा पीटना चालू कर देता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि यूटा समहाउ दिक्कत में था, क्योंकि गोजो की बॉडी काफी ज्यादा लंबी है, और गोजो के साथ स्विच ट्रेनिंग करने के बावजूद वो गोजो की बॉडी को हैंडल करने में मास्टर नहीं हुआ है, जो कि यूटा के लिए एक डिसएडवांटेज है। अब हमें यूटा के मुंह से एक और बात सुनने को मिलती है कि बाहर से तो लिमिटलेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन सिर्फ उसके यूजर को ही पता है, यानी कि गोजो को ही पता था कि ये बाहर से कितनी ज्यादा सेंसिटिव थी। और अब यूटा को समझ आ रहा था कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए आखिर 6 साइज की जरूरत क्यों होती थी। एंड इवन यूटा ने भी स्विच ट्रेनिंग करके गोजो की लिमिटलेस को मास्टर नहीं किया है, तो इसी की वजह से यूटा अपने बहुत सारे शॉट्स और पंचेस मिस कर रहा था, क्योंकि उसे गोजो की बॉडी को यूज करना नहीं आता, और ये बात सुकुना पकड़ लेता है। अब इसी पॉइंट पे सारे गोजो हेटर्स को एक बहुत ही बड़ा जवाब मिल गया होगा, जो कि गोजो को हमेशा टैलेंटेड कहते हैं कि भाई गोजो के पास तो जन्म से ही 6 साइज थी, और वो जन्म से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, 6 साइज होना मतलब इतनी भी ज्यादा एडवांटेज नहीं होती, उसे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इससे हमें पता चलता है कि गोजो गिफ्टेड या टैलेंटेड नहीं था, उसके साथ साथ वो हार्ड वर्किंग भी था। इसीलिए सुकुना वर्सेस गोजो में गोजो ने 2 शिकिगामीस और सुकुना को अकेले ही अच्छी खासी टक्कर दे दी। एंड इनफैक्ट अगर तुम लोगों को याद हो, बहुत पहले जब एक 6 साइज यूजर और एक 10 शैडो यूजर, जो कि मेगुमी की कर्स टेक्निक है, उन दोनों के बीच में ही ड्रॉ हुआ था, और 6 साइज यूजर को मारने वाला माहोरागा था। मतलब प्रीवियस 6 साइज यूजर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और गोजो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 6 साइज यूजर है, क्योंकि उसने इस टाइटल को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की। और यही पर यूटा भी समझ जाता है कि आखिर क्यों गोजो खुद को हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट कहता था, कि वो अपने टैलेंट को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर रहा है। अब यहीं पर गोजो के बारे में सोचने के कारण यूटा का ध्यान थोड़ा भटक जाता है, और सुकुना को भी पता लग जाता है कि गोजो की बॉडी को इस्तेमाल करना या फिर लिमिटलेस को इस्तेमाल करना यूटा अभी तक ढंग से सीखा नहीं है। तो इसलिए यूटा पे वो सरप्राइज अटैक करता है, ये कहते हुए कि भाई दिन में सपने देखना बंद कर, और यूटा भी इस अटैक से अच्छा खासा डैमेज लेता है। अब यहीं पर अगले पैनल में सुकुना खुद से बातें करता है कि केंजाकू से पता लग गया था कि यूटा की कर्स टेक्निक कॉपी है, एंड इन ऑर्डर टू कॉपी एनी अदर्स कर्स टेक्निक रीका को कर्स यूजर का कोई पार्ट खाना होगा। अब यहीं पर सुकुना भी नोटिस करता है कि गोजो की बॉडी के साथ स्वॉप करने के बाद रीका ने यूटा को हॉन्ट करना छोड़ दिया, और उसने यूटा की डोमेन बैटल में भी ये ऑब्जर्व कर लिया था कि यूटा साइमल्टेनियसली मल्टीपल टेक्निक्स को कॉपी नहीं कर सकता। एनी वन सुकुना बाकी कॉपी टेक्निक्स के बारे में इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं लेता, क्योंकि ऑब्वियसली वो किंग ऑफ कर्सेस है, उसने हजारों सालों में काफी सारी टेक्निक्स देखी है, तो ऑलमोस्ट सारी टेक्निक को वो काउंटर करना जानता है। और यहाँ पर सुकुना खुद से कह देता है कि अब यूटा के पास लिमिटलेस के अलावा कोई और टेक्निक है ही नहीं,
कि वो सुकुना को काउंटर कर पाए। लेकिन सुकुना के मन में सडनली एक बात हिट करती है और वो सोचने लगता है कि यूटा को तो पता होगा ना कि आखिर ये केंजाकू की टेक्निक कितनी देर तक काम करती है, और जब केंजाकू की कर्स टेक्निक खत्म हो जाएगी तब तो यूटा मर जाएगा, जो कि सुकुना खुद एज्यूम कर रहा है। और यहीं पर सुकुना सोचता है कि अगर ऐसी बात है कि यूटा जानता है कि वो सुकुना के अगेंस्ट टिक नहीं सकता, तो शायद उसका नेक्स्ट मूव होने वाला है होलो पर्पल। मतलब यूटा प्लान कर रहा है कि वो अपने मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक सुकुना पर रिलीज करेगा ताकि सुकुना की हालत बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि पिछली बार जब सुकुना ने ये अटैक झेला था तो उसके साथ क्या हुआ। यहीं हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां स्विच ट्रेनिंग के दौरान गोजो यूटा की टेक्निक को थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट कहता है, क्योंकि यूटा अपने बॉडी से काफी ज्यादा कर्ज एनर्जी रिलीज करता है, जो कि अच्छा नहीं है। कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, जो कि यूटा करता नहीं। यही फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि यूटा धीरे धीरे गोजो की सारी मेमोरीज देख रहा है, मतलब उसके साथ बिताए हुए फन, और वो यूज करता है 9 पॉइंट पोलराइज्ड लाइट। लेकिन सुकुना उसे ऐसा करने नहीं देता, वो उसका हाथ जकड़ लेता है और उसे एक पंच भी कर देता है। अब हेमर खुद से सुकुना सोचने लगता है कि इस बंदे को पता नहीं क्या कि गोजो ने अपना होलो पर्पल इतने क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि सुकुना गोजो को डायरेक्टली तो यूज करने नहीं देता, इसलिए उसने ब्लू और रेड को अलग से मिक्स किया। अब यही हमें यूटा के मुंह से सुनने को मिलता है कि शायद सुकुना को पहले से पता है कि यूटा एक ही साथ दो दो टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता, और वो उसे होलो टेक्निक यूज करने का कोई चांस देगा भी नहीं, और लिमिटलेस के अलावा उसके पास सुकुना का कोई काउंटर है भी नहीं। लेकिन यहाँ यूटा कहता है कि ये एक सिंपल प्लान काम कर जाएगा, और वो होता है ये कि यूटा एक टेप रिकॉर्डर को सुकुना के ऊपर फेंक देता है, जिसके ऑन होते ही उसमें से आवाज आती है डोंट मूव, जो कि आवाज होती है इनुमाकी की। जी हाँ, यूटा दो टेक्निक्स को यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से टेक्नोलॉजी की मदद से किसी और की टेक्निक स्टोर कर ली, और यही हम देखते हैं सुकुना कुछ समय के लिए फ्रीज हो चुका है और यूटा ने फाइनली होलो पर्पल की चैंटिंग खत्म कर ली, और यूटा यहाँ कहता है होलो टेक्निक पर्पल, और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यूटा सुसाइडल मूव करने जा रहा है, क्योंकि इतने क्लोज रेंज से होलो पर्पल मारना, और वो भी इतने हाई इंटेंसिटी के साथ, जानते हो कि यूजर के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ऑल्दो शायद यूटा भी ये जानता है कि वो 3 मिनट बाद वैसे भी मरने वाला है, और अगर वो ना भी मरे तो भी वो गोजो की बॉडी के साथ सुकुना के अगेंस्ट ज्यादा देर टिक नहीं सकता, इसलिए शायद यूटा का यही प्लान हो सकता है कि वो जाने से पहले सुकुना की एक और बार वैसी हालत करके जाए जो कि गोजो ने उसका किया था। अब देखो, सुकुना पहले से ही काफी ज्यादा थक चुका है, 2-3 बंदों को एक साथ संभाल नहीं पा रहा है, और अगर ऊपर से ही अगर ये हॉलो पर वो लगा तो सुकुना का अंत तय है। लेकिन एज वी ऑल नो, मांगा अभी भी बची है, सुकुना इससे भी जस्ते से रिकवर कर ही लेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यूटा का प्लान इतना भी ज्यादा परफेक्टली काम ना करे। फिर हम इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि 11 तारीख के आसपास अगला चैप्टर आ जाएगा। फिर बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।